जय हिंद। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आप देख सकते हैं ये ऐसे क्वेश्चन है जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है क्लास 12 के लिए, और जो स्टूडेंट अभी जो अपकमिंग एग्जाम है क्लास 12 का देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है ना, आपको हम बता दें कि ये जो तीन क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में आता है। ठीक है ना, इसके लिए हम एक कहिए तो गारंटी ले सकते हैं कि ये क्वेश्चन पक्का आपका छपने वाला है, और ये तीन क्वेश्चन 5 नंबर में पक्का आने वाला है। क्योंकि आप देख लीजिए 19, 16, 15, 11, 10, 19 ये भी आपका जो क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज ग्लोबल लैंग्वेज, ये भी 2019, 20, 21 ठीक है ना, 22 कहीं ना कहीं ये बहुत बार आए हुए आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इन्हीं क्वेश्चन को आपको सिर्फ याद करना है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, क्योंकि आप जानते हो कि वैसे भी आपको 6 में बनाना है 3, तो आपके पास मैच ऑफ द फ्लोइंग का 2 ऑप्शंस है। यदि आप एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिखना चाहे देन आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहां पढ़ना है, किसमें 5 मार्क्स के लिए। सबसे पहले 2 नंबर वाला के लिए देखते हैं, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज स्पोकन एज फर्स्ट लैंग्वेज। हमें नहीं लगता कि ये कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा पढ़ने वाला जिनको ये मालूम नहीं हो सकता है। ठीक है ना, कि मतलब 4 ऐसे देश का नाम बताइए जहां इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह, देखिए 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, और आप एक थर्ड देख रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा की तरह। ठीक है ना, तो ये 3 क्वेश्चन आपको एकदम याद रखना है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम कहिए तो VVI है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों का तीनों क्वेश्चन। आई होप आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आपको आसानी से कहीं भी इसका आंसर मिल जाएगा। यदि आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर आंसर, हम इसलिए बनाते हैं ना क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, हम आपको क्या करना है कि एटलीस्ट मतलब कम से कम प्रकट ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लाया जा सके वो बातें को सीखना है। ठीक है ना, अच्छा जी, तो ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है इसमें, और देखिए क्या ध्यान रख लीजिएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, आपको ध्यान रखना है 3 इंग्लिश के बारे में, आप भी जानते होंगे ओल्ड इंग्लिश, ठीक है ना, मिडिल इंग्लिश और जो आपका थर्ड है यहां हम लिख देते हैं मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है ना, ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट में आपका पूछा जा सकता है, इनके डायलेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। इतने में से आपका समझिए कि 10 क्वेश्चन जो आता है ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 क्वेश्चन रहता है, इतना कंफर्म हो जाइए कि 10 में 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहता है, तो इतना में से आपका 2 पक्का है कि छपने वाला है 100%। अरे बात समझ में ना, या तो ये तीनों में से क्या इसके डायलेक्ट्स पूछा जा सकता है, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या ड्रामा पूछा जा सकता है, जो हम बता रहे हैं वो देख लीजिएगा ड्रामा, ठीक है ना, नोवल पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि नेम एनी 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, ठीक है ना, तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे, लेकिन यही सब क्वेश्चन आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख लिया जाए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है ना, मतलब एक शॉर्ट नोट लिखना है कि इंग्लिश को कैसे वर्ल्ड लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है, वर्ल्ड लैंग्वेज संसारिक, ग्लोबल ठीक है लैंग्वेज की तरह इसे कैसे यूज किया जाता है, इसी पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो भैया ये तो हमको नहीं लगता है कि ये तो हम अपने से भी लिख सकते हैं कि क्यों ग्लोबल भाई कहा जाता है, बिकॉज वी नो ऑल इन दिस लैंग्वेज या इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द, ठीक है ना, वर्ल्ड लैंग्वेज। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि इंग्लिश को 3 तरह से जनरल यूज किया जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, या कभी कभी उसको मदर लैंग्वेज भी बोल देता है जो फर्स्ट लैंग्वेज लिखा हुआ, तो वो अंडरस्टूड है। ठीक है ना, अच्छा जी, यहां आपका 5th राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, मतलब फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया के बारे में आपको नोट लिखना है। ठीक है ना, ये देख लो 2019, 16, 15 बहुत बार पूछा जा मतलब बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है ना, मतलब इंग्लिश के बारे में आप लिखिए कि फ्यूचर में इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, मतलब अपने आप से समझ सकते हो भाई
कि इसका फ्यूचर में प्रेजेंट को देखते हुए आपको एकदम 100% आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि इसका फ्यूचर भैया एकदम ब्राइट है। ठीक है, द इंग्लिश ऑफ फ्यूचर विल बी ब्राइट इन फ्यूचर। ठीक है, अच्छा इसको यदि आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि ये सब कोई जानता ही होगा, आप इन सभी चीजों को बहुत सारे जगह से आपका आंसर मिल सकता है, बट क्वेश्चन क्या पढ़ना है ये हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। और डिस्क्राइब इन शॉर्ट द डिफिकल्टीज, और डिस्क्राइब इन शॉर्ट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडियन इन लर्निंग इंग्लिश, मतलब क्या क्या समस्याएं, ठीक है ना, का सामना करना पड़ता है भारतीयों को इंग्लिश मतलब सीखने में, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन में से आपका समझिए कि यहां से फाइव एकदम फाइव प्लस फोर नाइन मार्क्स आपका एकदम हम 100% कह सकते हैं कि नाइन मार्क्स पक्का आएगा। ठीक है ना, आप एग्जाम के बाद भी कमेंट इस वीडियो पर कर सकते हैं कि सर आप जो बोले थे वो नहीं है, पक्का करें कि आएगा तो 100% आएगा। ठीक है ना, यदि आप चाहते हैं कि सर इसका आंसर बता दीजिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।